इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक के स्मार्टन क्रेडिट कार्ड के बारे में। इस क्रेडिट कार्ड के बारे में आपके साथ ऑल द बेनिफिट फीचर, क्या फी एंड चार्ज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं और राइट नाउ क्या स्पेशल ऑफर चल रहा है, ये सारी और जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो एक कॉमेंट बॉक्स जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो तो जो भी राइट नाउ ऑफर चल रहा होगा उसकी अपडेट मैं कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट एंड फीचर के बारे में। तो सबसे पहला जो फीचर आता है स्टार्ट होता है वेलकम ऑफर से। वेलकम ऑफर आपको ये मिलता है इस क्रेडिट कार्ड में कि जैसे आपका कार्ड इशू होता है विथ इन 90 डेज के अंदर में, जैसे आपने 10,000 रुपीज का यूज करते हैं आपको 500 रुपीज का डायरेक्ट कैशबैक मिल जाता है। इसके अलावा जो बेनिफिट ये है कि रिवॉर्ड्स पॉइंट्स का, इस क्रेडिट कार्ड आपके पास है 50 रुपीज का स्पेंड करते हैं आप कहीं पे भी लाइक फ्यूल पे, इंश्योरेंस, यूटिलिटी बिल पेमेंट या कैश ट्रांजेक्शन पे, तो आपको वहां पे भी मिलेंगे 1 रिवॉर्ड्स पॉइंट्स। इसके अलावा जो बेनिफिट है कि अगर आपकी स्पेंडिंग होती है स्विगी, अमेजोन, बुक माई शो, फूड पांडा, लेंस गार्डन, डी मार्ट, इन सारे प्लेटफॉर्म पे, तो आपको 50 रुपीज पे मिलेंगे 5 times रिवॉर्ड पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन लगा हुआ होता है कि अगर आपकी 5 times जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं मंथली बेसिस पे, आप ज्यादा से ज्यादा जो रिवॉर्ड पॉइंट्स ले सकते हो वो 500 ही ले सकते। इसके अलावा क्या बेनिफिट है ये जानते हैं। इसके अलावा ये है कि अगर आपकी स्पेंडिंग होती है फ्लिपकार्ट पे और उबर पे, तो आपको 50 रुपीज पे ही 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो ये तो ही रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात, अब आगे क्या बेनिफिट फीचर है वो भी जानेंगे, क्योंकि अभी और इसके बेनिफिट फीचर है। उससे पहले मैं बता दूं कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल से फाइनेंस रिलेटेड वीडियो, वेबसाइट डेवलपिंग से रिलेटेड वीडियो एवं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आपके लिए बैक टू बैक लाया करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लेना। तो चलिए जानते हैं आगे क्या बेनिफिट है। अगला जो बेनिफिट ये है कि आपकी स्पेंडिंग एनुअली बेसिस पर अगर मिनिमम 40,000 रुपीज़ का भी हो जाता है तो कार्ड की कोई भी आपको एनुअली चार्जेस पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, कार्ड का चार्जेस आपका वेवर हो जाएगा। इसके अलावा जो क्या है बेनिफिट, इसके अलावा ये है कि जब आपके पास कार्ड रहता है और आप ईएमआई करवाते हो तो सबसे लो इंटरेस्ट ईएमआई करता है वो कि 12% पे आपको करता है, 12% पे आपको ईएमआई करके दे देता है, जो कि 12% एनुअली बेसिस पे होता है। इसके अलावा जो बेनिफिट है कि अगर आप फ्यूल बाय करते हैं एसपीसीएल से, अगर आपकी स्पेंडिंग 25,000 रुपीज से कम की है तो आपको वहां पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको वही स्पेंडिंग 25,000 से ज़्यादा की होगी तो वहां पे जो चार्जेस लगेंगे 0.3% के चार्जेस लगेंगे, जो कि बहुत ही कम है। इसके अलावा क्या बेनिफिट है, इसके अलावा ये बेनिफिट ये है कि जैसे आपकी कार्ड आपके पास है, अगर आपका कार्ड गुम हो जाता है तो आपको उसकी जिम्मेवारी बैंक नहीं लेता है। लेकिन हाँ, इमरजेंसी बेसिस पे अगर आप कार्ड रिप्लेसमेंट करवाना चाहते हो तो आपको 24 घंटे के अंदर में ही आपको कार्ड दूसरा कार्ड दे देता है। एड ऑन क्रेडिट कार्ड लेते हो तो आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। ये तो रही हाइलाइटेड पॉइंट्स एंड बेनिफिट फीचर। अब जानते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फी एंड चार्जेस के बारे में, पूरी डिटेल से जानने को मिल जाएगा तो वीडियो को कंप्लीट देखना। चलिए जानते हैं फी एंड चार्जेस को पूरी डिटेल्स में। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पूरी के पूरी लिस्ट आपके सामने है कि ज्वाइनिंग फी का जो चार्ज होता है वो 495 रुपीज होता है, यानी कि जैसे आपने फर्स्ट ईयर में कार्ड लेते हो आपको पे करना पड़ता है 495 रुपीज का। एनुअली फी की बात करूँ तो यही होता है सेम, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 40,000 रुपीज का जैसे आप यूज करेंगे आपका ये 495 रुपीज का चार्ज आपका वेवर हो जाएगा। एड ऑन क्रेडिट कार्ड की बात करूँ तो एड ऑन क्रेडिट कार्ड, अगर आप एक एड ऑन क्रेडिट कार्ड इशू करवाते हो तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, अदरवाइज एक्स्ट्रा करवाते हो तो आपको 250 रुपये का चार्ज लगता है। इंटरेस्ट फ्री पीरियड की बात करूँ तो इसमें आपको 51 डेज है, यानी कि आपको जो पे करने का टाइम मिल जाता है मैक्सिमम से मैक्सिमम वो आपका 51 डेज तक ही मिल जाता है। फाइनेंशियल चार्ज की बात करूँ तो ये है 3.5% पर मंथ के हिसाब से। उसके अलावा बहुत सारे है, जैसे कि रेलवे से अगर आप टिकट बुक करते हो तो ये हर एक SBI बैंक भी ऐसा लेता है कि 1.8% का हर एक ट्रांजेक्शन पे आपका बुकिंग करते हो तो उस पर आपका चार्ज लगता है, लेकिन मिनिमम 10 रुपये लगेंगे ही लगेंगे। इसके अलावा और भी चार्जेस जो कि आपके सामने आप देख सकते हो। अगला जो आप फी एंड चार्जेस आप देख पा रहे होंगे डुप्लीकेट स्टेटमेंट फी का, कि अगर आप तीन महीने से ज़्यादा वाला स्टेटमेंट मंगवाते हो तो आपको क्या है कि आपको 100 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ता। ओवर लिमिट की बात करूँ तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि 1 रुपये का अगर आप ओवर लिमिट करते हो देना आपको 500 रुपीज़ का चार्ज लग जाता। तो ये सारी फी एंड चार्जेस, तो अगर आप कार्ड को यूज कर रहे हो या यूज करना चाहते हो तो ये आपके लिए ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये अगर आपके पास में है तो आप बैंक को कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं कर सकते। इसके अलावा जानते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि इस क्रेडिट कार्ड के लिए आपकी मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो 18 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। सैलरी एंड सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों को ऑफर करता है। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी जो इनकम पर एनम की होनी चाहिए 4,50,000 रुपीज की होनी चाहिए, लेकिन मंथली बेसिस पर 37,500 रुपीज की होनी चाहिए।
और इसके अलावा क्या है कि मिनिमम इनकम की बात करूँ सेल्फ एम्प्लॉयड की, तो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए पर एनम 6 लाख की ITR फाइल होनी चाहिए। इसके अलावा एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास एक प्रीवियस कार्ड होना ही होना चाहिए, चाहे वो आपकी 10,000 लिमिट है, कैसे भी लिमिट है, कोई भी है, एक क्रेडिट कार्ड आपके पास होना ही चाहिए। इसके अलावा जब बात करें डॉक्यूमेंट के बारे में, तो डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं, जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे KYC तो लगेंगे ही, प्लस में इनकम डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, प्लस में अब जो कार्ड आपको मैं बताया उस कार्ड की 2 महीने की क्रेडिट कार्ड बिल भी आपको देना पड़ता है, क्योंकि ये जो अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक का कार्ड है वो बहुत ही ब्रांडेड कार्ड होता है और इसके लिए आपको मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स भी आपको लगते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड को जो डॉक्यूमेंट देना पड़ता है KYC प्लस में ITR की ऑल कॉपी का फोटो कॉपी देना पड़ता है, कार्ड यूज करते हैं उस कार्ड की क्रेडिट कार्ड की बिल भी देनी पड़ती है। तो ये रही डॉक्यूमेंट्स की बात, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने आप डायरेक्ट वेबसाइट से जाकर भी अप्लाई कर सकते हो, या आप चाहोगे तो मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर लेना, आपको मिल जाएगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो या हमारे चैनल से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमें इन सारे प्लेटफॉर्म पर मिल सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जरूर जवाब जरूर दूंगा, या अगर कॉमेंट बॉक्स में भी आप टाइप करते हो तो कॉमेंट बॉक्स में भी मैं रिप्लाई देता हूँ। तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, स्टे सेफ, टेक केयर।